पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि संसद में जो भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ। संसद के परिसर में उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। यह सम्मान व्यक्ति का नहीं पद का सम्मान होता है। उन्होंने आगे कहा कि नेताओं की बातों को कार्यकर्ता फॉलो करते हैं, इसलिए सावधानी से ही नेताओं को प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सांसद चर्चा करने के लिए है, हंगामे के लिए। हंगामा संसद में नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, मुझे मालूम है, थोड़ा आगे चलो तो सुनाई दे। मुझे मालूम है संसद में जो कि कुछ हुआ है अब सभी के चेहरे का प्रश्न चिन्ह में समझ गई हूँ, लेकिन वास्तव में जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। संसद के अंदर हो या बाहर, और संसद के परिसर में ये बात हुई है कि आप किसी का मजाक उड़ाते हो, और मजाक सुधा कोई अपने दोस्त की बात नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नकल उतारना संसद के परिसर में, मेरा शब्द ध्यान में रखो, कम संसद के अंदर या बाहर का सवाल नहीं है, संसद के परिसर हो या मेरा तो कहना है कहीं भी हो, वो मान सम्मान जो है ये किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो सीट का है, वो पद का सम्मान है, और वो सबको रखना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जो भी कुछ हुआ है, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी की नकल उतारी गई और फिर उसका वीडियो भी तुम लेते हो, वायरल करते हो, समझने की बात है। हम नेता लोग, हम अपने आप को अगर नेता मानते हैं तो जो हम करते हैं उसका ही फॉलो हमारे कार्यकर्ता करते हैं, इसलिए हमने बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। मेरा दूसरा कहना है, मैंने भी ये सब अनुभव किया कि जो संसद में हो ही नहीं सकता है, जैसे मेरे समय भी कई बार हुआ कि अरे विशेष दर्जा किसको क्या देना, आंध्र प्रदेश वाले उस समय मांग कर रहे थे, पैसा जितना चाहे दिया गया, दो दो बार स्टेटमेंट होने के बाद भी तुम संसद बाधित करते हो। आज भी वही हुआ, संसद की सुरक्षा ये स्पीकर के अंतर्गत आती है, और स्पीकर ने एक्शन ले ली थी, जिनको करना था सस्पेंड किया, और जो भी करना था करेंगे। तो एक कुछ तो भी बांग उठा करके संसद में बातचीत ही नहीं करना, संसद डिस्कशन के लिए रहती है, आप डिस्कस करो बात को, फिर उसमें से उत्तर मिलेगा, मगर चर्चा ही नहीं करना और हंगामा करना ये कभी नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो भी संसद में हो रहा है इस प्रकार की बातें मुझे कभी अच्छी नहीं लगती।